हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इनफैक्ट ये आज एक पॉडकास्ट है और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आज आपके लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, द हसलर्स। जिस तरह आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि द हसलर्स के साथ मैं आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो बहुत बनाई है मैंने, शॉर्ट्स भी बहुत डाले हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो बस अब बस हसनैन का वेट करते हैं और उसके आने का ही वेट है। जितनी देर में वो आता है उतनी देर में बस उसका वेट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। जी तो हसनैन आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप हसनैन? मैं ठीक, थैंक्स आपका कि मुझे आपने इनविटेशन दिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया मुझे इस पॉडकास्ट के लिए। और कैसे हैं आप? सॉरी, मैंने कहा थैंक यू आपका, आपने मुझे मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट की इस पॉडकास्ट के लिए, तो रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईपीएल देख रहे हैं आप आजकल? जो आईपीएल जो स्टार्ट हुआ है, जी, आईपीएल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और काफी मजे के मैचेस हो रहे हैं। देखिए, पहला मैच भी मजे का, वो गुजरात जीत गई, जो कि मेरी सेकंड फेवरेट टीम है इस आईपीएल में, बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या द कैप्टन हिमसेल्फ। फर्स्ट फेवरेट तो मुंबई ही है मेरी, और बहुत शुरू से फॉलो कर रहा हूँ आईपीएल को मैं। और आज दो मैचेस थे, पंजाब वर्सेस केकेआर। आई फील के केकेआर के साथ नाइंसाफी हुई आज, बारिश की वजह से लक अच्छा नहीं था उनका, वैसे कर लेते वो, लेकिन पंजाब किंग्स ने भी अच्छा खेला, शिखर धवन जीत गए। और इसके ये अलावा सेकंड मैच केएल राहुल जीत गए, लखनऊ की तरफ से लीड कर रहे थे, तो अभी लखनऊ तक तो काफी काफी वन अच्छे साइडेड गेम मैच थे। जीता है केकेआर, और पंजाब का तो फिर भी मतलब थोड़ा टाइट था। केकेआर का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ वहीं पे, अगर जहाँ पे उनके पहले 11 ओवर्स में 80 स्कोर था आई गेस, और 5 आउट भी हो गए थे, तो वही अगर उनका थोड़ा बहुत स्कोर उनका 100 भी होता तो वो डकवर्थ लुईस मेथड पे मैच जीत जाते हैं। लेकिन यही है क्रिकेट में, अब आपको ओवर बाय ओवर कैचअप करना पड़ता है। आपके प्लेयर असल कौन में से हैं? जो है मसला आप ये, मुंबई इंडियंस हैं? आपकी फेवरेट मुंबई इंडियंस नहीं, मेरी फेवरेट तो चेन्नई सुपर किंग्स है, और उसके है? बाद नंबर ओके, टू चेन्नई पे आरसीबी है मेरी। वर्सेस मुंबई इंडियंस की राइवलरी होती है बाय द जी, वे। चेन्नई और मुंबई की राइवलरी काफी अच्छी होती है, और हर दफा उनकी क्लोज मैच ही होते हैं। जिस तरह यहाँ पे पीएसएल में जो होता है पिशावर वर्सेस क्वेटा की, जिस तरह राइवलरी होती है, क्लोज मैच नेल बाइटर्स होते हैं, तो उसी तरह आईपीएल में चेन्नई वर्सेस मुंबई होती है, जो हर मैच जो है वो क्लोज जाते हैं। उसके अलावा मुझे बताएं आपकी मुंबई इंडियन फेवरेट टीम किस वजह से है, मतलब एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? यस, इट इज बिकॉज रोहित शर्मा जो है मेरे फेवरेट इंडियन क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हार्दिक पांड्या भी मुझे पसंद है, पोलार्ड का भी गेम काफ़ी पसंद था, मिचेल जॉनसन खेलते थे, इसके अलावा लैंडल सिमंस भी खेलते थे आईपीएल, तो पीक आईपीएल था ना, अभी भी है। पिछले 2 सालों में हमने काफ़ी डाउनफॉल देखा है मुंबई का, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा अच्छा खेलेगी। और 5 टाइम्स आईपीएल विनर है, और टू बैक आईपीएल जीते 2020 और 21 में, बाई सॉरी 2019 और 20 में, 20 में दिल्ली के खिलाफ फाइनल जीता था, और उससे पहले तो अपने आर्च राइवल चेन्नई के खिलाफ जीता था। तो प्लेयर्स काफी अच्छे होते हैं और टीम काफी अच्छी है, तो इस वजह से सपोर्ट करने का मजा भी आता है, और एक अच्छी टीम है।
आपने जिस तरह बात की कि काफी प्लेयर्स जो है उनके लिए खेलते रहे हैं, इस साल भी उनके जिस तरह उनके पास अब इस साल जोफ्रा आर्चर आया है जो उनकी डेफिनेटली फास्ट बॉलिंग में उनको हेल्प करेगा, और ऑब्वियसली रोहित शर्मा है जो उनको लीड करेगा इस दफा भी। आपकी आईपीएल में लीस्ट फेवरेट टीम कौन सी है, मतलब जो आप होती है ना कि जो आप कहते हो कि कभी ना जीते, मतलब वो कौन सी टीम है? ये साला कप नाम दे आरसीबी, उसकी क्या वजह है? वो तो फैंस की काफी ज्यादा फेवरेट होती है वजह क्योंकि उसके काफी बड़े बड़े वही है, नाम हेल्प नहीं खेल चुके करता हैं, तो आपकी क्या रीजन है इतना पसंद होने की वो टीम? विराट कोहली को मैं पसंद करता हूँ, वो भी एक अच्छे बैट्समैन है, पर्सनल कोई वजह नहीं है। वैसे सारी टीमें हैं अच्छी हैं, दिल्ली कैपिटल्स भी है, तो आई थिंक आरसीबी इनको जो क्या नाम है, हर बार थोड़ी शोखा शोखे होते हैं इनकी जो मैनेजमेंट है थोड़ी। अब देखिए उनका सोशल मीडिया पेज देखें, अभी भी इन्होंने ये तो एक चलो स्टार्स को बुलाया, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, फेफ डु प्लेसिस, ये तो एक अच्छी एक अच्छा इनिशिएटिव था। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो बहुत यानी पैसा खर्च करते हैं ये, अपनी जर्सी रिवील कैसे करते हैं ये, एक जगह पे कोई शो करते हैं उधर ऑडियंस आती है, फिर उधर जर्सी रिवील करते हैं, तो ये सब चीजें क्रिकेट में अगर ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा है। बाकी कोई पर्सनल वजह नहीं है, लेकिन लीस्ट फेवरेट अगर आपने पूछा तो लीस्ट अब फेवरेट नहीं है मेरी आरसीबी, इसलिए मैंने आरसीबी बोला, बाकी कोई पर्सनल हेट नहीं है। ये जो हमने बात की है कि उनके जर्सीज वगैरह इवेंट्स पे रिवील होती हैं और वो बड़े बड़े अपने जो खेल चुके हैं उनके लिए आरसीबी के लिए उन प्लेयर्स को इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि उनके एक सोशल मीडिया की जो टीम है वो स्ट्रांग है, तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर खिलाड़ियों को बुला रहे हैं ना तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कह रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं ना कि सोशल जर्सी रिवील वगैरह, उससे हटके अगर क्रिकेट पर भी ध्यान दे दें तो अच्छा हो जाएगा। तो मतलब मैं और मेरे ख्याल में आरसीबी की जो फैन बेस है ना वो भी काफी टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स, मतलब दे स्पीक टू मच एंड डू वेरी लिटिल। आरसीबी का मसला बताए कि आपको वो पूरा सीजन अच्छा खेलेगी, नॉकआउट्स यानी प्लेऑफ्स में आके सेमीफाइनल वगैरह या फाइनल में चौक कर जाएगी, मसला सारा यही है आरसीबी का, तो मतलब इसीलिए दे नहीं आर जीत द इन जीत अदर पाते। वर्ड्स दे आर द न्यूजीलैंड ऑफ इंटरनेशनल ऑफ आईपीएल। से साउथ अफ्रीका कह सकते हैं आप, न्यूजीलैंड तो खैर फाइनल्स में भी जाती है न्यूजीलैंड भी अब और साउथ को न्यूजीलैंड जीतने की चैंपियंस ट्रॉफी कोशिश कर रहे हैं जीती जाते हैं। है, अब करती है वो, लेकिन साउथ अफ्रीका कह सकते हैं आप आरसीबी को, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो मतलब अब काफी न्यूजीलैंड से टाइम से कंपेयर नहीं वो कर सकते। नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे साउथ अफ्रीका। तो चले आईपीएल पे तो बात हो गई, अब बात कर लेते तो थोड़ी सी इंटरनेशनल क्रिकेट पे। रिसेंटली जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज हुई है उसमें आपके लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर कौन था पाकिस्तान की तरफ से? इट वॉज इमाद वसीम फॉर मी, इमाद वसीम। उसके स्ट्राइक रेट पे थोड़ी बहुत बात हो रही है, काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि जिस तरह पहले मैच में 18 of 32, सेकंड मैच में नो डाउट विकेट आसानी था, लेकिन अगर आप 57 बॉल्स खेले तकरीबन 10 ओवर खेले और आप सिर्फ उस पे 62 रन करे, तो आपके ख्याल में थोड़ा बहुत स्लो नहीं है ज्यादा? तो और भी बंदे वो रन्स नहीं कर रहे थे, उनसे तो बेहतर है कि इतने रन्स भी वो कर रहे हैं, इज्जत तो बचा रहे हैं, और बैट्समैन तो रन्स ही नहीं कर रहे थे। अब इसमें बात यह है कि एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था तो खैर वो खेल तो सकते थे ना, उनको पता है वो फजल हक फारूकी वगैरह ये सब इस्लामाबाद की तरफ से खेलते रहे हैं, और मुजीब राशिद ये सब, ये भी पीएसएल में इनको ही इन्होंने मारा है, अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से ही खेला है इन्होंने। मुजीब तो खैर उनके राशिद खान लाहौर कलंदर्स में थे, मुजीब पिशावर जलमी में थे, इसके अलावा फजल हक फारूकी इस्लामाबाद में थे, रहमानुल्लाह गुरबाज भी इस्लामाबाद में थे। सो अगर
एंड जैसे हमारी टीम ने कमबैक अच्छा किया लास्ट मैच में, पहले तो मैच में फ्लूक हुआ, तैयब ताहिर भी अभी ये डोमेस्टिक खेले में एक्सपीरियंस की बात यह है, तैयब ताहिर डोमेस्टिक खेले में, साइमा यूब इतना नहीं खेले लेकिन तैयब ताहिर खेले हुए, मोहम्मद हारिस भी खेलते रहे और वो तो पार्ट है 2022 T20 वर्ल्ड कप से टीम का। तो मेरे लिए शादाब खान ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इमाद वसीम ने जो उनको रोल दिया गया था वो निभा तो नहीं पाए क्योंकि पिच बेकार थी और स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम था उनका, ये बात मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन इमाद वसीम फॉर मी। एहसानुल्लाह को आप भूल रहे हैं शायद। अरे हाँ एहसानुल्लाह को भी भूल गया मैं, सॉरी। एहसानुल्लाह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की लास्ट मैच में, तो भाई नजीबुल्लाह को इधर बॉल मारा और करीम जन्नत को जिस तरह से आउट किया, जमान खान ने भी बेसिकली अच्छी बॉलिंग की, जो सेकंड मैच था वो हम जीत जाते मगर रन्स नसीम का पहले ना खाते। तो खैर एक ना एक दिन तो अफगानिस्तान से मैच तो हारना ही था, रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए। नो डाउट रिकॉर्ड्स एक दिन टूटने ही होते हैं। मैंने लेकिन एहसानुल्लाह को जिस तरह शारजा की विकेट पे बाउंस मिला ना, मुझे तो नहीं आता कि किसी एक पेसर को शारजा की विकेट पे इतना बाउंस मिला हो रीसेंट टाइम में। आपको अगर कोई याद पड़ता है तो शेयर कीजिए। यूएई की विकेट बेसिकली स्पिनर्स को फेवर करती है, तो ये एहसानुल्लाह को मींस एहसानुल्लाह एक यानी ऐसे नहीं है कि दो अब खेलेंगे और आगे जाके पिटेंगे, एहसानुल्लाह जो है पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्व करेंगे, जैसे शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं और हारिस रऊफ, ये सब लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्व करेंगे। लेकिन पीसीबी को इसको लेके बहुत केयरफुली लेके चलना पड़ेगा, इनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह शाहीन को हमने वर्कलोड पीसीबी मैनेज के करना नाम पड़ेगा पे, बिल्कुल इनको साथ, पीसीबी ने जिस तरह शाहीन को किया, क्योंकि शाहीन शाहीन को वेस्ट अपनी कर। करियर के पीक पे थे और पीसीबी ने उसको तीनों फॉर्मेट्स खिला खिला के विदाउट एनी गैप उसको उसकी इंजरी हो गई और वो हमें फिर वर्ल्ड कप फाइनल में ऑब्वियसली उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़े थे जब शाहीन को वो इंजरी दोबारा उनकी रेकरेंस हो गई थी इंजरी की। उस सिमिलरली हारिस रऊफ को हमने टेस्ट में डेब्यू कराया पिंडी की रोड टाइप ऑफ विकेट पे, जिधर हम बाकी बॉलर्स को भी चांस दे सकते थे। नो डाउट उसमें आपका शाहीन इंजर्ड था, लेकिन हारिस रऊफ को रोड टाइप विकेट पे आपने पिंडी में वो भी इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया, उसको भी उधर से नी इंजरी हुई। बहुत शुक्र है कि ज्यादा स्वेयर नहीं थी। उसी तरह नसीम शाह को भी पीसीबी जो है वो कंटिन्यूअसली खिला रहा है। तो मतलब इस तरह जिस तरह बाकी टीम्स अपना बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करती हैं, मतलब जिस तरह आप देखें जेम्स एंडरसन का देख लें आपके, वो ऑल दो वो रिटायर हो चुके हैं बाकी फॉर्मेट से, लेकिन जब वो था भी तो वो T20 और वनडे बहुत थोड़े खेलता था और उसका मेन फोकस टेस्ट पे है और कम लेजेंड ऑफ द गेम बन गया वो टेस्ट में। और इस तरह मैं कहता हूं कि पीसीबी को अपने बॉलर्स को हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल ये एक आपका वैलिड पॉइंट है, पीसीबी बिल्कुल अपने जो जेम्स हैं उनको वेस्ट कर रही है, जैसे आमिर को किया, आमिर को भी इसी तरह इन्होंने T20 खिलाए, ODI खिलाए, टेस्ट खिलाए, इस तरह से अब शाहीन को भी इन्होंने किया है, और शाहीन वॉज नेवर फिट फॉर वर्ल्ड कप, ये भी आपको बता दी, ये सब बोले थे फिट है, प्रैक्टिस मैचेस में बॉलिंग की तो शाहीन की वो बॉलिंग नजर नहीं आई हमें, और इंडिया के खिलाफ कैसे बिल्कुल स्लो पेस के साथ बॉलिंग कर रहा था, सब ये बोल रहे थे कि इसकी जगह मोहम्मद हसनैन को खिलाना चाहिए था वर्ल्ड कप, शाहीन देखिए एंड मोमेंट पे वो हो गया उनका फाइनल में, तो पीसीबी शुड यानी इनको रेस्ट दे। अब देखिए न्यूजीलैंड कैसे रोटेशन पॉलिसीज अप्लाई करती है, तो उससे ही मदद ले लें, ये रेस्ट वाला सीन बहुत ही अच्छा किया एक तरह से, लेकिन खैर यंग साइड भेज दी बिल्कुल ही, कोई डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स भेजते, या PSL के आजम खान, खैर PSL की परफॉर्मेंस पर आए अगर देखा जाए तो नो डाउट, और ये करना पड़ेगा बिल्कुल, शाहीन को रेस्ट देना पड़ेगा, ये जितने भी बॉलर हैं चार पांच से छह बॉलर्स तो रखने ही पड़ेंगे हर टूर में, या कहीं भी अगर ले जा रहे हैं तो, जैसे किसी एक मैच में शाहीन को खिला लिया फिर रेस्ट करके दूसरे को खिला लिया, तो इस तरह से वर्कलोड मैनेज होता है, तो आई डोंट नो व्हाई पीसीबी कुछ कर क्यों नहीं रही।
तो इस तरह से वर्कलोड मैनेज हो सकता है। अब्दुल्ला शफीक की अब रूमर्स हैं कि अब्दुल्ला शफीक तैयब ताहिर को न्यूजीलैंड वाली सीरीज में अब ड्रॉप कर देंगे, तो आपका नहीं ख्याल कि इनको एक और चांस देना बनता है? क्योंकि खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक का तो पोटेंशियल हम सबके सामने है। वो और बात है कि अब्दुल्ला शफीक नहीं परफॉर्म कर सके उस तरह, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का पोटेंशियल हम सबके सामने है। जिस तरह PSL में खेलता है, जिस तरह इंटरनेशनल खेलते हैं, जिस तरह डोमेस्टिक में खेलता आ रहा है, तैयब ताहिर का आप कह सकते हैं कि उसको आप जरा एक और राउंड लगवा लें डोमेस्टिक का। लेकिन अब्दुल्ला शफीक इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स इन माय ओपिनियन। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए नहीं, अब्दुल्ला शफीक को भी थोड़ी सी डोमेस्टिक और खेलनी पड़ेगी। डोमेस्टिक इतनी T20 की आई डोंट नो खेली है या नहीं खेली, क्योंकि अगर खेली होती तो बिल्कुल नाम तो आता। अब्दुल्ला शफीक को एक राउंड लग, तैयब ताहिर की अगर देखें तो बिल्कुल तैयब ताहिर एक जैसे कहते हैं ना टुल्लर प्लेयर है, अभी तक तो मुझे वही लग रहा है तैयब ताहिर। उसको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, बेहतरीन शॉट्स सेलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा। जैसे वो मीन सभी इतना वो इफेक्टिव नहीं लग रहा, अगर चल गया तो चांद तक, ना चले तो बस वही वाला सीन है इनका भी। इनको डोमेस्टिक में खिलाना पड़ेगा, और अगर डोमेस्टिक में भी नहीं खिलाए तो टीम के साथ रखना चाहिए, तो उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा। साइम अयूब की काफी बात हो रही है, तो बाकी साइम अयूब ने देखें जी, साइम अयूब को भी डोमेस्टिक में खिलाना चाहिए। ये अभी इनको सेलेक्ट करना नहीं था वैसे, साइम अयूब को इतना जल्दी किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते। ये इनका सेकंड PSL सीजन था, पहला भी अच्छा था लेकिन अच्छा गया था, लेकिन खैर इतना वो नहीं, टॉक्स में नहीं आई थी, तो इनको अभी नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था सीरीज के लिए, डोमेस्टिक आपका नहीं ख्याल कि में जो खिलाना। प्लेयर रेड हॉट फॉर्म में हो तो उसको आप डायरेक्ट इंटरनेशनल में लेके चले जाएं, बजाय इसके कि आप उसे डोमेस्टिक में लेके जाएं, उसकी फॉर्म वहां से खराब हो और वो जिस तरह अपने शेप में थे वो सारा है हो, वो सारे लूज हो जाए उनकी डोमेस्टिक में यही एक्सपीरियंस के चक्कर में। तो साइम अयूब जिस तरह रेड हॉट फॉर्म में था SPSL में, तो आपका ख्याल नहीं है कि इट वॉज द राइट मूव टू टेस्ट साइम अयूब इन द टेस्टिंग कंडीशन ऑफ शारजा? इट वॉज अ गुड मूव एक तरह से, लेकिन अगर खैर इट वॉज अफगानिस्तान और कोई और बड़ी टीम होती है, और ये एक ऐसी सीरीज थी कोई वैल्यू बिल्कुल रखती है, हर मैच वैल्यू रखता है, लेकिन इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, तो खैर खिला दिया कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी सीरीज थी कि जिसमें कोई बड़ी टीम होती, जैसे कोई न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसी कोई टीम होती, अगर उनके खिलाफ खिलाते तो गलत बात थी, तो फिर डोमेस्टिक में भेजना चाहिए था। आप PSL के परफॉर्मर को ऐसे नहीं भेज सकते, लीग सिस्टम अलग होता है, लीग सिस्टम में ज्यादातर अपने ही बॉलर्स होते हैं और बाहर के भी होते हैं, तो आपको डोमेस्टिक खेलना चाहिए तो अपने आप को रेडी करने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन अब जो न्यूजीलैंड के साथ अब जो सीरीज आ रही है, ऑब्वियसली अब बिग गन्स हमारी वापस आएंगी, बाबर वापस आएगा, रिजवान वापस आएगा, शाहीन मोस्ट प्रोबेबली वापस आएगा, रऊफ वापस आएगा, तो जो यंग गन्स हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि किस किस को रिटेन करना चाहिए न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, और कौन ड्रॉप होगा आपकी नजर में, और कौन से नए डेब्यूटेंट्स को कॉल अप मिल सकता है इस सीरीज के लिए? बिल्कुल डेब्यूटेंट्स तो आई थिंक दे विल कीप तैयब ताहिर, साइम अयूब एंड मोहम्मद हारिस तो होंगे, बिल्कुल एहसानुल्ला भी होंगे। अब्दुल्ला आई शफीक, डोंट थिंक सो कि किसी को ड्रॉप, शान मसूद को शायद ड्रॉप कर लें, लेकिन नहीं करेंगे। टीम एक तरह से यंग गन चाहिए तो ड्रॉप कर सकते हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता, अभी मेरे लिए बताना मुश्किल हो रहा है कि किसको ड्रॉप करेंगे, हो सकता है तैयब ताहिर ड्रॉप हो जाए। और कोई न्यू डेब्यू पिकअप कॉल अप हो सकती है कोई आपकी नजर में? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, और अब्दुल्ला शफीक आपकी नजर में इन या आउट? सीरीज देनी चाहिए अब्दुल्ला शफीक, टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में खेलते रहे अभी तो। चलें, तो बस ठीक है, फिर अब मुझे लगता है हम पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं।
once again thank you very much Hasnain for joining me on such a short notice. तो इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ये इकट्ठे. तो थैंक यू वंस अगेन एंड कुछ थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. जी नो प्रॉब्लम माय प्लेजर एनी टाइम. ओके अल्लाह थैंक यू अल्लाह फ्रेंड्स. तो ये आपने देखी मेरी पॉडकास्ट हसनैन के साथ द हसलर्स. उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी. पहली पहली पॉडकास्ट थी मेरी एंड होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डू शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट मोर सच टाइप ऑफ पॉडकास्ट इन द फ्यूचर. सो येस दैट्स इट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट and subscribe to my channel as well as Hasnain's channel The Hustler. Uski link bhi main aapko dal dunga. Until then Allah Hafiz.